शांति। जितना शरीर की तरफ ध्यान जाता है उतना चिंता का रूप हो जाता है तो प्रकृति का चिंतन माना शरीर का चिंतन तो पांच तत्व सबसे नजदीक आत्मा के हैं वो है शरीर और जितना जो शरीर का चिंतन करता है तो वो चिंता में ही रहता है ये हो गया वो हो गया मुझसे ये नहीं हो रहा मुझसे वो नहीं हो रहा क्या कहते मेरा शरीर ठीक होता तो मैं पुरुषार्थ कर लेता यहां यहाँ पुरुषार्थ शरीर से है ही नहीं मन और बुद्धि से है मन बुद्धि ठीक है संस्कार अच्छे हैं तो पुरुषार्थ है कोई बैठना पुरुषार्थ नहीं है मन बुद्धि का बाप के साथ रहना पुरुषार्थ है और संस्कार बाप समान बनाना पुरुषार्थ है कहीं यही सोचते रह जाते हैं शरीर ठीक नहीं पुरुषार्थ ही नहीं हो रहा है शरीर ठीक हो जाए मैं पुरुषार्थ करूं खूब 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 कौन से वाला कौन से वाला बाबा के कमरे में बैठो दो तीन घंटे तक अभी तो बैठा ही नहीं जाता तो बाबा ने कब कहा मेरे कमरे में आके बैठो दो तीन घंटे तक तो मैं मानू तुम्हारा पुरुषार्थ है कौन सी मुरली में कहा बाबा ने ऐसा कौन सी लाइन में ऐसा कहा है कि तुम्हारा बैठना ही तुम्हारा पुरुषार्थ है कि तुम बैठे नहीं तो तुम्हारा कोई पुरुषार्थ ही नहीं कौन सी लाइन में कोई मुरली में आया कभी चलते फिरते उठते बैठते लेटते सोते जागते तुम्हारी मन बुद्धि मुझे के साथ लगी हुई है तो ही मन अभाव है और तुम्हारे संस्कार अगर मेरे समान बनते जाते हैं तो यही पुरुषार्थ है